हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। मैं हूं संदीप और भाई साहब मैं बता रहा हूं कि मेरे बहुत सारे छोटे भाइयों की इतनी क्वायरी आई कि भाई आप बताओ सीयूसीटी से एएमयू ले रहा है कि नहीं ले रहा है, जामिया का एग्जाम सीयूसीटी से होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी क्वायरीज आई तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाता हूँ और फाइनली एक डिसीजन भी निकल के आया। हम लोग एएमयू में पता करें, ठीक है, एक बढ़िया डिसीजन पे हम लोग आए। हमने डिसीजन जब देखा तो मुझे लगा कि आई शुड इन्फॉर्म यू कि एएमयू कैसे एग्जाम लेने वाला है, जामिया का एग्जाम कैसे होने वाला है। तो गाइस गजब का एक्सप्लेनेशन होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस मैं पहले आपको बताता हूँ कि जो एएमयू है अपना एग्जाम इस ईयर में सीयूसीईटी से नहीं ले रहा है। अब सीयूसीटी, कई लोग को तो ये डाउट होगा कि भैया सीयूसीटी क्या है, तो जो सीयूसीटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो हाँ गाइस, इस एग्जामिनेशन को गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एंट्रेंस टेस्ट लेने के लिए, जिसके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिए जाएंगे। ये एंट्रेंस टेस्ट उसी प्रकार है जैसे जेईई और नीट के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन दिए जाते हैं। तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू ही वो इंटरेस्ट लेने वाले हैं और उसी के थ्रू एडमिशन देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल गाइस, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि जितनी भी हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, और जितनी भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सबका जो एंट्रेंस है एक पेपर से ही हो। जैसे जितनी इंजीनियरिंग है इस सेंट्रल लेवल में, आईआईटीज एनआईटीज या फिर जितने मेडिकल कॉलेज है एम्स, उनका एक ही एंट्रेंस होता है नीट, ठीक है। वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ना सीयूसीटी बनाई गई कि 10 यहाँ पे मान लीजिए 10 12 15 20 जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अब उनमें एडमिशन के लिए दौड़ दौड़ के ना भागना पड़े कि अच्छा इसके लिए यहाँ फॉर्म भर के जाओ, उसके लिए यहाँ फॉर्म भर के जाओ, ऐसा नहीं करना है। अब इन्होंने प्रपोज ये किया था कि भाई साहब एक ही फॉर्म रहेगा, उसी फॉर्म से आप उसी फॉर्म को भरिए, उसका एग्जाम दीजिए, उसके बाद जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड है वहां पे जाके एडमिशन ले लीजिए अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो इनका ये नियम था, उन्होंने रैंक कार्ड वगैरह लास्ट टाइम भी निकाला था, लेकिन गाइस इस बार ये हुआ था कि इसमें जैसे डीयू, एनयू, जामिया और एएमयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी शामिल करी गई थी। तो डीयू जैसे जेएनयू का अभी आया था कि हाँ अब वो इसके सीयूसीटी से ही लेगा, डीयू में भी है कि इस अगले नेक्स्ट ईयर से सीयूसीटी से ही होने वाला है, पर एएमयू ने इस बात से वो कर दिया कि अभी इस ईयर उसने क्लेरिफाई कर रहा है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रबंध जो प्रबंधक है उन्होंने इस बात को क्लेरिफाई करा हुआ है कि इस साल मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि सीयूसीटी से एडमिशन लिया जाए, ठीक है। सेम यही सिचुएशन जामिया के साथ भी है। अब ये थोड़ा सा माइनॉरिटी स्टेटस को लेके है मसला, तो गाइज आप लोग सेफ हैं, आप लोग इस बार एएमयू की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से अच्छे ढंग से करें। एएमयू अपना खुद का एग्जाम लेगा, ठीक है, सो डोंट वरी। और आपको पता है कि हमने एक बढ़िया बैच भी लॉन्च किया है एएमयू के लिए भी, जामिया बीएससी के लिए भी और सीयूसीटी के लिए भी। तो सेट टाइम बाउंड गोल आपके लिए इसी तरह के कोर्सेज लाता है ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सके और आप लोग अपने मनचाहा कॉलेज को पा सकें। उसी प्रकार इसने हेल्प कर रहा है जामिया और एएमयू के स्टूडेंट्स का, और ये कोचिंग निरंतर अपने अच्छे अच्छे प्रोग्रेस, अपने अच्छे अच्छे रिपोर्ट दे रही है और इसके पिछले लगातार सालों में इसने अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, तैयारी कीजिए और अपने मनचाहा कॉलेज को पाइए। सेट टाइम बाउंड गोल आपको अपने मनचाहा कॉलेज को प्राप्त करने में मदद करेगा। गाइज हमारे टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सारे एएमयू, जामिया या किसी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हैं, कुछ लोग बीटेक हैं, एमटेक भी हैं, इवन पीएचडी वाले लोग भी हमारे साथ जुड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम ऑनलाइन मोड में डिलीवर करते हैं। क्योंकि मुझे याद है हमारे टाइम में बहुत दिक्कत होती थी, अगर आप मार्केट में देखो तो कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो एएमयू बीएससी की प्रिपरेशन करवा रही हो, और हम तो ऑनलाइन मोड में इतने कम पैसे में करवाते हैं कि बिहार का भी बच्चा जो बहुत दूर भी बैठा है ना, वो भी आराम से 500 में अपनी तैयारी करके एएमयू आ सकता है। गाइस जी हाँ बिल्कुल, हम लोग जब तैयारी करते थे तो ये बहुत बड़ी समस्या होती थी, हम लोगों को तैयारी करने के लिए बड़े शहरों में आना पड़ता है जैसे कि अलीगढ़, लखनऊ, इस तरह के शहरों में। यहाँ आने पर परेशानियां शुरुआत में होती हैं, सभी को होती हैं, आप लोग भी कहीं पर तैयारी करेंगे तो आप लोगों को भी होंगी, लेकिन सेट टाइम बाउंड गोल ने इन सब चीजों को बहुत ही आसान तरीके से आप सबके पास दे रहा है, ऑनलाइन कंटेंट दे रहा है और एक क्वालिटी कंटेंट जिसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करेंगे और आप लोग बहुत अच्छा उसे कर सकेंगे। तो सेट टाइम बाउंड गोल का ये बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए।
तीन मंथ के अंदर हमारे काफी बच्चे जो थे जो टॉप 100 में लेके आए थे रैंक, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, तो भाई अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा एफर्ट दिखाना चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा, उतना कंटेंट मिलेगा जितना यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया है एएमयू से रिगार्डिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ना कि अभी ऑफलाइन में अभी कोविड का माहौल है और आप तो देख ही रहे हैं कि क्या मसला चल रहा है, लेकिन हमारा सब कुछ ऑनलाइन है तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और बेनिफिट तो बहुत बड़ा ये भी है कि इस बार सीयूसीटी से नहीं हो रहा है, तो गाइस आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बैच चल रहा है, लेट ना करिएगा वरना आपका ही नुकसान है। 3 से 4 महीने का बैच है, उसमें भी लेट करेंगे तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा, बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो ज्वाइन करिए, हम आपके साथ हैं। एसटीबीजी इज ऑलवेज विथ यू, वी विल हेल्प यू।